हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम जा रहे हैं ओड़िया धाम। तो आप देख रहे हैं, हम निकल चुके हैं ओड़िया धाम, जिसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि पूरा कच्चा रास्ता है और पानी बरस चुका है, तो पानी बरसने से हो गई है कीचड़, तो बड़े संभल के चलना है हमको। अब देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, बस बीच में आपको देखने को मिलेगा मुरम की सड़क। हम निकल चुके हैं, बस अब कुछ ही पलों में हम पहुंचने वाले हैं ओड़िया धाम। यहाँ काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे तो ये कोई फेमस नहीं है ज़्यादा, पर यहाँ बहुत कम लोग ही आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक गुप्त गंगा है, जो पहाड़ों में से निकलकर आ रही है। तो आप देखें तस्वीरों में, ये है गुप्त गंगा, जिसे कहते हैं गुप्त गंगा। ओड़िया धाम गुप्त गंगा भी कहा जाता है। ये इधर देखें तो इधर से आ रही है, और ये देखिए, ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है। ऊपर आप पुल के नीचे देखेंगे तो ये झरना है, यहाँ से पानी आ रहा है। पता नहीं कितनी दूर से ये पानी आ रहा होगा, इसीलिए किसी को भी नहीं पता, इसलिए इसका नाम गुप्त गंगा पड़ा। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये गांव के कुछ लोग हैं, यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। और एक ख़ास बात और है कि यहाँ पर नदी के इस तरफ तो काली मिट्टी है, उस तरफ आप देखेंगे तो ये सफ़ेद पत्थर।